राजधानी भोपाल से खबर है, जहां दुर्गा विसर्जन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाटों में विसर्जन को लेकर क्रेनें तैनात की गई हैं। क्रेनों के जरिए देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। वहीं इस बार आम जनता को घाटों से दूर रखा जाएगा। विसर्जन के लिए मूर्ति लाने वाले कुछ लोगों को ही क्रेन तक जाने की अनुमति होगी। 2 से 3 दिनों तक विसर्जन कार्यक्रम रहेगा, जिसके चलते पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। देवी विसर्जन व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता ने। माता विसर्जन को लेकर तैयारियां जोरों पर है, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। एक पुलिस अधिकारी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे किस तरीके की तैयारियां आप लोग यहां पे कर रहे हैं और काफी व्यवस्था यहां पे हो चुकी है अब तक, क्या तैयारियां रहने वाली है? हर साल की जैसे ही जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से पूरी व्यवस्था में पुलिस मुस्तैद है। नगर निगम के गोताखोर भी है, फायर ब्रिगेड के गोताखोर, फायर ब्रिगेड से भी प्रशासन विभाग से लाउड अलर्ट वगैरह हम लोगों को स्टॉप पर के यहाँ पे वहाँ पे आरती वगैरह सब करा देंगे। उसके बाद जैसे ही आएंगे क्रेन से लिफ्ट होगी, क्रेन पर रखाएगी और विसर्जन होगा। लोगों को आप आगे तक रोकेंगे, यहाँ तक पब्लिक को क्या अलाउ करेंगे? पब्लिक सभी आएगी, बस जो क्या किसी प्रकार से काम बाधित ना हो तो आरती उनको मंदिर के सामने गेट तक करा देंगे, उसके बाद आएंगे, बाकायदा विसर्जन होगा। कितना तैनात रहने वाला है यहाँ? लगभग जो भी आज जो प्रोग्राम में ड्यूटी निकलेगी उस हिसाब से कंटिन्यू लगाएंगे रहेगा विसर्जन का कार्यक्रम, जिसके चलते यहाँ पे व्यवस्था लगाई जाएगी। एक बार यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये व्यवस्थाएं की जाएंगी। जहाँ पे बैरिकेडिंग शुरू हो रही है वहां पर पब्लिक को पूजा के लिए रोका जाएगा, उसके बाद मूर्ति को कुछ लोगों के साथ विसर्जन स्थल तक अलाउ किया जाएगा, उसके बाद इन क्रेनों के माध्यम से जो मूर्ति रहेंगी उनको विसर्जित किया जाएगा। देखा जा सकता है कि मूर्तियों का आना यहाँ पे शुरू हो चुका है, जवारे भी यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं और जिस तरीके से विसर्जन की तैयारियां भोपाल में की जा रही हैं अब उसका आगाज हो चुका है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है क्योंकि विसर्जन कल से शुरू हो जाएगा और 3 दिन तक ये विसर्जन का कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसके चलते जो व्यवस्था है वो पुख्ता की जा रही है। अगर ड्यूटी पे तैनात कर्मचारियों की बात करें तो उनका अभी जो ड्यूटी चार्ट है वो भी निकलेगा, उसके बाद ये तय होगा कि कितने शिफ्ट में कितने कर्मचारी मुस्तैद यहाँ पे किए जाएंगे। हालांकि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन के दावे हैं कि इस बार विसर्जन पूरी तरह से अच्छी तरह से इस बार आयोजित किया जा सकेगा, हालांकि व्यवस्था किस तरीके की रहती है ये देखने वाली बात होगी। भोपाल से INS 24 न्यूज के लिए कैमरामैन गणेश पारस के साथ गौरव गुप्ता।